नमस्कार दोस्तों, मेरा अमित और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आप सभी को मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max के अंदर जो MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो इस मंथ के अंदर देखने को मिलेगा, सेम वैसा ही यहाँ पर हुआ है। अगर आप लोग मेरे साथ पहले चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि हम जो भी न्यूज देते हैं यहाँ पर लगभग सच्ची हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज इंडिया के अंदर एक काफी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, Redmi Note 9 Pro Max यूजर के लिए MIUI 12.5 अपडेट को रिलीज करा गया है। आपको मैं बताऊंगा कि अपडेट का साइज कितना है, अपडेट के अंदर क्या कुछ देखने को मिल जाता है, और जो ये अपडेट है यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि आप इसको मैनुअली कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ये सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी Redmi Note 9 Pro Max यूजर्स के लिए जो अपडेट निकलेगी वो आप सभी को इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि जितनी अपडेट्स आती है वहां पर लिंक सबसे पहले देखने को मिल जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि जो आज की वीडियो है Redmi Note 9 Pro Max यूजर काफी जबरदस्त न्यूज है, तो इस वीडियो खातिर एक लाइक जरूर बनती है और यहाँ पर लाइक जरूर करिएगा। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर YouTube के ऊपर सबसे पहले वीडियो रिलीज हो रही है और टेलीग्राम के ऊपर भी हमने सबसे पहले आप सभी को लिंक प्रोवाइड किए हैं कैसे डाउनलोड करना है, और यहाँ पर स्क्रीन शॉट भी यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले आप सभी प्रोवाइड कर दिया है। तो न्यूज खातिर इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी Redmi Note 9 Pro Max यूजर है उन सभी के लिए फाइनली इंडिया के अंदर एक न्यू अपडेट को रोल आउट कर दिया गया है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले न्यूज को शेयर कर दिया टेलीग्राम के ऊपर, अगर आप लोग मुझे वहां पर ज्वाइन करते हैं तो। इस अपडेट का जो साइज है लगभग यहाँ पर 484 MB का अपडेट है। आप लोग सोच रहे हैं इतना छोटा अपडेट, यहाँ पर Redmi Note 9 Pro के लिए तो यहाँ पर 845 MB का अपडेट देखने को मिला था। वो इसलिए मिला था क्योंकि वहां पर आपको 1 अगस्त का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल रहा था। पर आपने मेरी सुबह वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें साफ साफ बताया था कि Redmi Note 9 Pro Max यूजर्स के लिए एक न्यू अपडेट को रिलीज करा जो कि सिक्योरिटी पैच का अपडेट था, उसमें 1 अगस्त का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल चुका है। इस कारण यहाँ पर जो अपडेट का साइज है Redmi Note 9 Pro Max के लिए वो यहाँ पर 484 MB रखा गया है। इसके अंदर आपको वॉइस चेंजर का फीचर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि Redmi Note 9 Pro में भी देखने को नहीं मिला था। और मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max के अंदर आप सभी को वॉइस चेंजर वाला जो फीचर वो देखने को नहीं मिले। और दोस्तों जो अपडेट का यहाँ पर कोर वर्जन रखा है वो यहाँ पर MIUI 12.5.1.3 वर्जन है और 484 MB का अपडेट है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। और आप सभी को बता दूं फ्यूचर में जितने भी सिक्योरिटी पैचेस के जो अपडेट आएंगे वो यहाँ पर गूगल ही प्रोवाइड करेगा। मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी बहुत वीडियोज बनाती है और दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max हो गया या Redmi या Poco कोई भी डिवाइस हो गया, उनके अंदर सिक्योरिटी पैच का अपडेट है आपको हर महीने देखने को मिल जाएगा, गूगल की तरफ से अपडेट देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर Xiaomi के ऊपर सिक्योरिटी पैच के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, Xiaomi सिर्फ यहाँ पर आपको MIUI अपडेट देगी जो भी उनका लेटेस्ट MIUI वर्जन चलेगा और एंड्रॉइड अपडेट देगी बस Xiaomi यहाँ पर। तो आपके पास Redmi Note 9 Pro Max यूजर हैं तो आप लोग इस अपडेट को कर लीजिए। ये सिर्फ अपडेट यहाँ पर Mi Pilot यूजर्स के लिए रिलीज करा गया है। कुछ ही दिनों में यहाँ पर लगभग 10 दिनों के अंदर जो पब्लिक यूजर है Redmi Note 9 Pro Max यूजर्स हैं उन सभी को यहाँ पर पब्लिक जितने भी यूजर है Redmi Note 9 Pro Max उन सभी के लिए जो अपडेट रिलीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हमने पोल भी रखा था अपने यहाँ पर टेलीग्राम में, तो वहां पर लगभग 7 लोगों को अपडेट देखने को मिला है और बाकी के जो लोग हैं उनको देखने को नहीं मिला है। तो चिंता मत करिए, अपडेट सबको मिलेगा, धीरे धीरे अपडेट रोल आउट हो रहा है। अगर आप लोग Mi Pilot यूजर हैं तो आप सभी को क्या करना है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहां पर हमने लिंक को प्रोवाइड कर दिया है। उस लिंक के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो रिकवरी मोड जो हमने लिंक दिया उसके ऊपर आपने डाउनलोड कर लेना है, 484 MB का है। और अपने अबाउट फोन के सेटिंग में जाकर जो MIUI वर्जन है उसके ऊपर बस 3 से 4 बार क्लिक करिएगा और ऊपर जो 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, वहां पर न्यू अपडेट वहां पर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, चूज पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप लोग जहां से डाउनलोड करा अपने वहां से उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जो ये सिर्फ अपडेट Mi Pilot यूजर्स के लिए रिलीज करा गया, जब पब्लिक यूजर्स के लिए भी रोल आउट होगा तो हम आपको टेलीग्राम पर बता देंगे और वीडियो बनाकर भी बता देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको वॉइस चेंजर देखने को नहीं मिला, अगर मिला है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर नहीं दिया गया होगा, फिर भी एक बार बताइएगा जरूर अगर आपके पास Redmi Note 9 Pro Max यूजर है और अगर आप लोग Mi Pilot यूजर हैं तो। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स आएगी Redmi Note 9 Pro Max यूजर्स के लिए वो सारी यहाँ पर इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि चैनल के ऊपर सबसे पहले न्यूज आपको देखने को मिल जाती है सारे यूट्यूबर से पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर जितनी भी हमने न्यूज अभी तक दी है सभी यूट्यूबर से पहले टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया और यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी सबसे पहले रिलीज कराया और आज वाली भी न्यूज यहाँ पर सबसे पहले ही रिलीज हो रही है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।